यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लास्ट में किया था, ठीक है, इसको समझा। स्टार्टअप का महत्व पर हमने काफी देर तक कल चर्चा की थी कि स्टार्टअप क्यों महत्वपूर्ण है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए स्टार्टअप्स का क्या महत्व है, कैसे क्यों हमें इस स्टार्टअप को एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करना चाहिए। अगर हम वास्तविक तरक्की करना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी अचीवेबल। अगर हम ये सोच लें कि हाँ, हमें दे, जैसे हम लोग कभी कभी थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, कुछ लोग हमारे साथी कभी कभी क्रिटिकल हो जाते हैं कि भाई देश का कुछ नहीं हो सकता या हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। यदि हम कुछ करेंगे, हम सम्यक कर्म करें इसके लिए, सम्यक संकल्प के साथ सम्यक कर्म करें, तो निश्चित रूप से हम जो देश में और आर्थिक विकास का सपना हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी जो है ऐसे तरक्की हो हमारे देश में, हमारा देश भी आर्थिक शक्ति बने, हमारे लोग भी आर्थिक शक्ति बने, मजबूत बने, आर्थिक रूप से सशक्त बने, तो ये बिल्कुल संभव है। इसमें जैसे कल हमने बात की थी, पर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली समझना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या उससे हम कैसे उसे हल कर सकते हैं। तो ये हमारा मूल, हमारा चर्चा का विषय था। तो हमारे देश में हमने कल बात की कि आने वाले समय में, इस समय पर करीब हमारे देश में 60 से 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जो काम कर रहे हैं, या इनमें से कुछ को काम की तलाश हो भी सकती है, कुछ लोग ठीक ठाक एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जो एम्प्लॉयड है बहुत अच्छी बात है, जो लोग अच्छे से एम्प्लॉयड नहीं है, या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनको हमें इस कैटेगरी पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि कैसे हम उसको, उनको बेहतर रोजगार उनके लिए अरेंज कर सके। दूसरा पक्ष हमारे साथ में सामने है, जो कि करीब हमारी आबादी का 41-42% हिस्सा है, जो हमारे अंडर 19 पॉपुलेशन है। एंड अगर हम इस अंडर 19 पॉपुलेशन को हम सही काम दिला सके, तो हमारे देश का आर्थिक विकास, अंडर 19 पॉपुलेशन इस समय हमारे देश की लगभग 42% है, तो 140 करोड़ लोग हम हैं। कोई एग्जैक्ट नंबर बताएगा हमारे देश में 19 साल से कम के कितने बच्चे हैं? 140 को 42 से करिए तो जरा बताइए मुझे एग्जैक्ट नंबर, कितना नंबर आता है? जब तक वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब तक हम ये काम करते हैं कि हमें इन अंडर 19 को, इन बच्चों को, इस वाली कैटेगरी में देखो हम लोग भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम जब एजुकेशन ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हम ही हैं वो अनएम्प्लॉयड, जो इन 65 करोड़ में से जो एम्प्लॉयड को माइनस करके जो बच जाएंगे अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड लोग, वो हम हैं। और आने वाली पीढ़ी के ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। किसने किया इसको गणित को, 140 का 42% कितना होता है? किसी ने नहीं किया मुझसे पहले, मुझसे ही मेहनत करवाओगे? नो सर, जस्ट एक सेकंड में निकालता हूँ। ओके, चलो करो, ठीक, तब तक मैं उस पर चर्चा पे आ जाता हूँ कि इस इन अंडर 19 लोगों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो अभी स्कूल कॉलेज में हैं, पैदा हुए हैं, उनको हमें क्या अरेंज करना है? एजुकेशन, अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज,
सर फिफ्टी एट पॉइंट एट होगा सर, 58 पॉइंट समथिंग। चलो 58 करोड़ लोग लगभग हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काम की तलाश, मतलब जो अभी थोड़े छोटे हैं पर उनको अगर हम अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें ताकि वो अपना कुछ काम धंधा कर सकें, ठीक है, उनको हम रोजगार के मौके दें, उनके लिए क्रिएट करें रोजगार के मौके, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, तो अगर इन सब कामों को करें तो हमारे पास कितना रिसोर्स इकट्ठा हो सकता है। सोचिए 58 करोड़ लोग हैं, 58 करोड़ बच्चे हमारे 25,000 रुपये अभी कमाएंगे तो कितना पैसा हो जाएगा महीने का, हम सोच नहीं पाएंगे उतने पैसे को कर पाएंगे। ये सब हमारी, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इन 42% बच्चों को हम कैसे काम देने वाले हैं, इन 58 करोड़ बच्चों को हम कैसे काम देने वाले हैं, इन 65 करोड़ में से जो ऐसे बच्चे हैं जिनको समुचित रोजगार, अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छा रोजगार हम कैसे दे सकते हैं, या जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार कैसे दे सकते हैं, और जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, मतलब काम तो है पर वो काम उनकी कैपेसिटी का नहीं है, उन्हें कैसे बेहतर काम दिया जा सकता है। और इसी प्रोसेस में हमारे को, और एक और तीसरा हिस्सा उसमें जो महत्वपूर्ण है कि हमें यहाँ पर ये जब मूवमेंट चलाना है, इस मूवमेंट में हमें SC ST विमेन माइनॉरिटीज अदर मार्जिनलाइज सेक्शन, इनको जरूर लेके चलना है, क्योंकि ये अगर हम छोड़ देंगे तो ये आबादी का, कल हमने देखा था, हम अगर इनको हटा देते हैं तो आबादी का कितना बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है, और आबादी के इतने बड़े हिस्से को बाहर निकाल कर हम अच्छे देश को और एक मजबूत देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर हमें जो डेवलपमेंट चाहिए वो बिल्कुल मौजूद संभव है अगर हम इन सबको साथ लेकर चले तो, ठीक है। तो इसी में हमारे स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, स्टार्टअप हमारे लिए बहुत बड़ा मौका हो सकते हैं। आप एक स्टार्टअप लगाएंगे, अपने लिए भी रोजगार करेंगे और बहुत सारे और लोगों के लिए भी रोजगार खड़ा कर देंगे। तो इसी के लिए ये वो है इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम। इनोवेशन बहुत जरूरी है स्टार्टअप के लिए कि हमें इनोवेट करना है, हमारी को कुछ इनोवेशंस लेकर आनी है। इसमें एनर्जी स्टार्टअप, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट प्रीमिसेस में ही काम करे, ऐसे कुछ एनर्जी स्टार्टअप, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को शुरू करना है। इनको कुछ ग्रांट दी जाएगी ताकि वो अपने एफर्ट्स को लीड कर सकें, इनको टेक्नोलॉजी, टेक्निकल और कॉमर्शियल मेंटरशिप प्रदान की जाए, जिससे कि ये अपने ग्राहकों को, नए ग्राहकों को ढूंढ सके। तो ये हमारा यहाँ कोर उद्देश्य है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप के रोल हमने पढ़े थे कल, उसके अलावा ई बिज एक कार्यक्रम है, ई बिज नाम से कार्यक्रम, जिसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। हमारा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उनमें से एक है हमारा ई बिज। इसका उद्देश्य है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना जिससे कि हम गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज को और बेहतर कर सकें और सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करा सकें, जिसमें एंड टू एंड सर्विसेज, फॉर्म सबमिशन, अटैचमेंट, ये सब एक साथ हो पाए। तो ये ई बेस कार्यक्रम है। इस हिस्से पर हम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, ज्यादा ध्यान से देखते हैं। IPR अवेयरनेस, IPR अवेयरनेस, व्हाट इज IPR, मैं एक बार पूछूंगा आप लोगों से, थोड़ा समय दीजिए। लेट मी से, विनय आप बताओगे व्हाट इज IPR? सर ये IPR का एक्चुअली मुझे पता नहीं है, कल मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं था सर। नहीं तो कल तो हमने पढ़ाया ही नहीं। चलो तो अच्छा, कल पढ़ो क्या? नहीं अभी हमने पढ़ाया नहीं। देव कुमार,
व्हाट इज आईपीआर? आईपीआर क्या होता है? मंगेश, आईपीआर क्या होता है? सर कैन आई? रुक जाओ जनरल, वेट करते हैं थोड़ी देर, हम सभी का भागीदारी। मंगेश बताइए, आईपीआर? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलो। मतलब अभी फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले तुम, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल? हाँ वेरी गुड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक मंगेश, तुमने बिल्कुल ठीक बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हिंदी या मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा बता सकते हो क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इसमें मतलब जो लिस्ट है उसको मतलब जो कुछ करना चाहते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा राइट है ठीक है। हम किसी और, जयवीर सिंह पर चलते हैं। जयवीर आप समझा सकते हो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? जयवीर सिंह नहीं, जयवीर आप बोलिए। बताइए जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। सर मुझे नहीं मालूम है। अच्छा नहीं मालूम है आपको? जी सर। गलत थोड़ी सी बात है, अगर आप सारे लोग नियम से क्लास करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आपको पता रहेगा। ओके चल मैं ही बता देता हूँ, पर थोड़ा सा ये चीज अच्छी नहीं है, मैं तो दोबारा से सभी लोगों को ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन अस। हम अगर कौन है, क्या नाम आपका? नाम बता के ट्राई करें, बिल्कुल करें। सम्राट सर मतलब कि इसमें राय दिया गया है कि वो कोई क्रिएशन कर सकते हैं अपने स्तर पर। ओके तरीके के लिए राय मिला उनको। तो आईपीआर आपने जैसा बताया क्रिएशन कर सकते, नहीं ऐसा क्रिएशन से मत समझिए। देखिए मैं फिर भी एक सभी को बोलूंगा कि भाई देखो हमें बौद्धिक संपदा, इस हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते तो हिंदी तो जरूर समझते होंगे, वैसे इंग्लिश भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या हिंदी में बोले तो बौद्धिक संपदा। हमारी जो संपत्ति है, दोबारा से इसको समझते हैं, हमारी जो संपत्ति होती है वो, मंगेश कौन सी संपत्ति को आप जानते हो? व्हाट इज संपत्ति या संपदा? आपके पास क्या संपत्ति है मंगेश? अभी तो मतलब बौद्धिक संपदा ही कहते हैं सर। हाँ बौद्धिक संपदा कहते हैं, मैं अभी ये पूछ नहीं रहा हूँ, मैं पूछ ये रहा हूँ कि आपके घर में क्या संपत्ति है, आपके परिवार पर के पास क्या क्या संपत्ति है? हाँ जी सर, जमीन है सर। जमीन है आपके पास? खेती है जी सर। खेती है, घर होगा, जमीन, खेती है ना, गाड़ी, गाड़ी और क्या है, बैल, ठीक है, गाय, हाँ, कैटल के अलावा जैसे आपके पास कुछ रुपया पैसा भी होगा जी, ठीक है। इन सब को आप अपने हाथ में रख सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जितनी भी तरीके की हमारे पास संपत्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी संपत्ति हो सकती है? अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सवाल को हिंदी में ही रिफ्रेंस कर देता हूँ। ज्ञान,
ज्ञान इसमें नहीं आया इस लिस्ट में, पूरे लिस्ट में ज्ञान भी कोई संपत्ति है? ये भी एक प्रकार की संपत्ति, हम लोग हिंदी में मुहावरे भी बोलते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति है, बोलते हैं ना, यानी कि विद्या इज ऑल्सो अ धन, बट इस लिस्ट में कहीं विद्या नहीं आई है, आई है कहीं विद्या नहीं आई, जो नॉलेज है ज्ञान है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हम उसको एक्चुअली में, क्योंकि विद्या या ज्ञान ये ऐसी संपत्ति है जिसको हम महसूस नहीं करते हैं, इसे हम देख नहीं पाते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसे कहीं बैग में नहीं रख सकते, हम घर के बाहर जैसे घर है तो हमें दिखाई नहीं देती, पर ये एक संपत्ति है जो हमारे पास मौजूद रहती है। तो विद्या भी एक प्रकार का धन है, पर चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपनी विद्या को बेचेंगे तो कोई खरीदेगा? शायद ना खरीदे, हमारी कोई एजुकेशन ऐसी कोई महान नहीं है जिसको कोई खरीदने को तैयार हो जाए, परंतु आपने मान लीजिए एक अपने ज्ञान और विद्या से एक पुस्तक लिख दी, एक किताब लिखी, वो किताब अच्छी है। अब ये पुस्तक क्या है, ये जो आपने किताब बनाई है ये पुस्तक, इसकी कोई कीमत है? यस सर, है ना, ये एक संपत्ति है, ये तो एक निश्चित रूप से संपत्ति है, और इस संपत्ति को आप बेच सकते हैं, कोई आप इसको पुस्तक के राइट्स किसी को दे देंगे तो उसके आपको पैसा मिल सकता है, अगर आपकी किताब में कुछ दम है तो। आपने कोई मूवी बना दी, फिल्म बनाई, आप एक कलाकार हैं और आपने एक मूवी बनाई, उस मूवी के राइट्स को आप बेच सकते हैं, दैट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई आविष्कार कर लिया, कोई नई चीज खोजी है, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक कैसे अमीर बने, उनके पास पैसा कैसे आया, कि उन्होंने कोई खोज की, कोई नई चीज बनाई, कुछ अच्छा बनाया, और जब वो आविष्कार हुआ उस आविष्कार के बल पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ, तो उस आविष्कार के कारण, उस आविष्कार को आपने कोई, मान लीजिए कल आप में से कोई कोरोना की दवाई खोज लेता है, सोच लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने कोरोना की दवाई बना दी कल, तो क्या हो जाएगा रातों रात? हम मेरे ख्याल से अरबपति या खरबपति या उससे भी ज्यादा लेने लगेंगे वो दवा, और में पैसे मॉनिटर में संपत्ति पैसा आएगा, 5,000 था तो आपको कितना पैसा आपको मिल सकता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप इतना इमेजिन भी कर पाएंगे जितना पैसा आपको मिल जाएगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। पूरी दुनिया आज इसकी ओर देख रही है, कोई कोई कोरोना की दवाई हो जाए, लोग लाखों, मतलब पूरी देश की अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की अर्थव्यवस्था इसके कारण हिली हुई है, अगर कोई आदमी इसकी दवाई बना देगा तो सोचो उसको कितना बड़ा वो मिल सकता है, अगर वो उसे पेटेंट करा ले तो उसको कितना बड़ा वो मिल जाएगा, कह रहे भाई ये दवाई का हमें बता दो नुस्खा, लोग करोड़ों करोड़ों रुपया देने को तैयार है कि हमारे को जो है कोई कोरोना से ठीक कर दो, तो सोचिए उसका वो। तो ऐसे में ये जो दवाई, ये जो आविष्कार है, इसकी कीमत सोचिए कितनी होगी, कितनी संपत्ति हो सकती है। तो हमारी जो आम समझ है उसमें हम केवल टेंजिबल प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं, टेंजिबल मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी चीजें, वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम अपने सेंसेस, हमारे जो पांच सेंसेस हैं, आंख नाक कान जो भी पांच होते हैं, ठीक है, तो उनके जरिए से हम महसूस कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है जिनको हम इन सेंसेस से नहीं कर सकते। तो जैसे हमने कुछ ज्ञान तो वैसे एक ओवरऑल एक संपत्ति है, पर क्योंकि ज्ञान अपने में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जैसे ज्ञान समझिए रॉ मटेरियल है, ज्ञान गेहूं है, गेहूं की कीमत नहीं ज्यादा रहेगी, परंतु उस गेहूं को अगर आप यूजेबल बना देंगे, आपने उसकी रोटी बना दी है ना, तो उस रोटी की बड़ी कीमत है, आपने उसके लिए कुछ बना दिया क्योंकि वो कंज्यूम की जा सकती है। ऐसे ही ज्ञान अपने में वो नहीं होता, पर उस ज्ञान के जरिए से आपने कुछ बनाया, आपने कोई मूवी बनाई, आपने कुछ आविष्कार किया, आपने कुछ ट्रेडमार्क बनाया, कुछ रजिस्ट्रेशन किया,
तब उसकी कीमत हो सकती है। तो हमारे जो आईपीआर होते हैं, ये ऐसी ही संपत्ति को हम आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आज के समय में क्या परेशानी है कि हमारा जो इसके प्रति जानकारी है, आईपीआर के प्रति हमारी जो समझ है वो बहुत सीमित है। नंबर एक, हम इसको संपत्ति मानते ही नहीं है। क्या हम इसको संपत्ति मानते हैं? प्रथम दृष्टया हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं है कि ऐसी कोई संपत्ति हो सकती है। आप में से कोई आज कोई आदमी आविष्कार क्यों नहीं करना चाहेगा? हम कोई भारत के अंदर हम देखें तो हम कोई भी आदमी इनोवेशन के लिए काम नहीं कर रहा। बचपन में आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे, पर अब आप कोई शायद नहीं कर रहा होगा, या कोई कर रहा है? हम no, कोई sir. क्यों नहीं कर रहे हम? उसका कारण क्या? अवेयर नहीं है प्रॉपर्टी आईपीआर के प्रति। एक तो अवेयरनेस, चलो अवेयरनेस इसका कारण है, बिल्कुल सही है। हमारा रिस्पेक्ट भी नहीं है आईपीआर के प्रति। जैसे एक हाँ जी, अगर मान लो कल आपने एक आविष्कार का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। हाँ, ये अब आ गया। लेकिन सर, हम आईपीआर को डायरेक्टली बोलिए सर, आईपीआर को डायरेक्टली साइंटिस्ट से या फिर इनोवेशन से तो जोड़ नहीं सकते। आईपीआर तो बहुत बाद में आता है इनोवेशन के। नहीं, वही बाद में आता है। तो वर्क ही करना पड़ता है। वो तो सर साइंस रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज हो गई जिसमें हम लैब में वर्क करते हैं। आईपीआर तो सर उसके बहुत ज्यादा बाद में आया, अगर हमने कोई इनोवेशन करा। हाँ बिल्कुल, तो आईपीआर तो वही पिक्चर में आएगा ना। नहीं, जब हम इनोवेट करेंगे, जब हम कोई इन्वेंशन करेंगे, हमने लैब में काम किया, 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, या हम नहीं भी लैब में किया। बहुत सारे, कल किसी ने बोला था वो डोंकी से कोई कॉस्मेटिक बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है। अब आपने ये इन्वेंशन कर लिया, मान लीजिए आपने कोई एक खोज की, तो खोज की कुछ कुछ परेशानियां भी हैं हमारे यहाँ। एक तो ओवरऑल इनोवेशन करने का, इन्वेंट करने का कोई कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, संस्कृति नहीं है। हम इसे प्रमोट नहीं करते इन्वेंट करने को। कभी आपके माता पिता ने बोला कि आप एक इन्वेंटर करो, कुछ नई चीज बनाओ? किसी को बोला? किसी माँ बाप बोलते हैं, सबके माँ बाप क्या बोलते हैं, IIT कर लो, MBBS कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बनो। वो ये बोलता है कि इन्वेंटर बनो। तो पहला तो हमारा यहाँ रेस्पेक्ट नहीं है। चलो खैर, ये तो एक सोशल इशू, डिफरेंट इशू है। एक और इशू भी है जो बड़ा, बट आई थिंक सर वो सारी सर चीजें रिलेटेड हमारे एजुकेशन से नहीं होगी। हाँ, वो एजुकेशन का ही पार्ट है। इन्वेंशन भी सर हमारी डायरेक्टली, क्योंकि आई थिंक इन्वेंशन भी सर तभी हो पाएगी अगर हम अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे या MBBS कंप्लीट करेंगे या उससे रिलेटेड स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। IIT, ठीक है, मैं समझ गया आपके पॉइंट को। पर क्या हम IIT क्यों करते हैं? हम IIT में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं? हम MBBS क्यों करना चाहते हैं? या IIT टू बी ऑनेस्ट सब जॉब्स के लिए लेना चाहते हैं? जॉब के लिए, एग्जैक्टली। तो IIT में इसलिए नहीं जाता कि IIT में बहुत अच्छी रिसर्च लैब है और मेरे को वहाँ बहुत अच्छी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ दैट इज द पर्सपेक्टिव, दैट्स वेरी गुड, दैट शुड बी, इट इज एन आइडियल सिनेरियो, होना वही चाहिए। IITs को बनाया भी इसीलिए गया था, परंतु वो नहीं हो रही। अभी क्या हो रहा है, जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। IIT में कितने बच्चों को कितनी सैलरी मिली, ये बहुत बड़ी न्यूज होती है। अभी भी कुछ दिन पहले भी, अभी ये चल भी रही है, अखबार में छप रहा है कि किसी को 1 करोड़ का, किसी को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला, तो वो रोज अलग अलग अखबारों में छप छप के दिख रहा है। ये दिखाई नहीं दिया। कभी आपने पढ़ा किसी IITian ने कोई अच्छी इन्वेंशन करी हो जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो? आई डोंट थिंक कि उसको लेके कोई बहुत सीरियस है। तो सोसाइटी भी सीरियस नहीं है, तो इसलिए इन्वेंशन का एक ओवरऑल कल्चर नहीं। एक दूसरी चीज और है, खैर अभी कल्चर पर नहीं जाते क्योंकि कल्चर तो एक बड़ा, संस्कृति एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। और संस्कृति से पहले एक और सवाल है, वो ये है कि मान लीजिए आपने आविष्कार कर लिया, ठीक है, आपने ये सब चीज छोड़ के, नहीं नहीं मैं ट्रेडिशनल नहीं सोचता हूँ, मैं डिफरेंट सोचता हूँ, मैं अलग कुछ करूंगा, और आपने एक आविष्कार कर लिया, तो अब आविष्कार करने के बाद आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? आपने सबको बताया कि मैंने ये आविष्कार किया है, सर का मार्केटिंग नहीं हो पाएगा ज्यादा।
सबसे बड़ा बात नहीं, अगर मान लो प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं हो पाता है, नहीं दो उसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका आविष्कार बहुत काम का नहीं है, अपना काम का आविष्कार नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी काम नहीं आएगा, पर मान लीजिए आपका आविष्कार काम का है, लेट्स से आपका आविष्कार बहुत काम का है, यूजेबल है, पहली प्रॉब्लम तो आपको आएगी कि आपको कोई उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसको भी पता चलेगा भाई आपने एक आविष्कार कर दिया, आपने कोरोना की दवाई बना दी, तुरंत साइंटिस्ट इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करेंगे और तुरंत वो बता कर लेंगे ये केमिकल क्या है, अगर एक बार दवाई बना ली मान लो तो, और उस दवाई से जैसे अभी किसी ने कहीं पढ़ा कि हाइड्रोजन सल्फाइड से कुछ फायदा है, अब जैसे ही किसी ने खोज की हर किसी को पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकली कैसे बनाना है कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई मान लेते हाइड्रोजन सल्फाइड उसका बहुत अच्छा इलाज है, तुरंत जो है वो बना लेंगे। अब जिसने इस खोज को किया, जिसने इसमें बहुत मेहनत की, अपना पैसा लगाया, टाइम लगाया, उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उसका किसी ने आपने एक बढ़िया मशीन बनाई, कोई ऐसा सोलर पैनल बना दिया, कोई सेल बनाया, कोई चीज ऐसी बनाई जो कि इनोवेटिव है, जो सीरियसली बहुत काम की है, परंतु तुरंत उसके डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे और सब कहेंगे जी हमने बनाया, हमने बनाया, हमने किया है, हमारा है, हमें इससे मिलना चाहिए। देन इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आईपीआर है। एग्जैक्टली वही तो हम पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए सर आईपीआर है, बिल्कुल है इसी के लिए, तो वहीं पर आ रहे हैं। तो कोई भी अगर आप इन्वेंशन करते हैं, कुछ चीज नई बनाते हैं, तो वहां आपको क्या है कि अगर हम आईपीआर को, अभी क्या है इस समय कोई आईपीआर के बारे में अवेयर नहीं है, ना तो सरकार इसके लिए अवेयर है, ना लोग इसके बारे में अवेयर हैं, परंतु आईपीआर में एक प्रावधान होता है जिसको बोलते हैं पेटेंट। अगर आपको, आप मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको शायद ना पता हो व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट होता क्या है। ये पेटेंट शब्द अगर मैं सर्वे करूं, अभी भी सर्वे करूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 90% या शायद 95% लोग मुझे ये नहीं बता पाएंगे पेटेंट क्या होता है। पर अगर हमारी अवेयरनेस और हमारी एजुकेशन होगी एंड वी आर अवेयर कि अगर आपने कोई इन्वेंशन करी है, यू शुड फर्स्ट गेट इट पेटेंटेड, लोगों से शेयर करने से पहले उसको पेटेंट कराओ। जब आप उसे पेटेंट करा लोगे, नोबडी कैन टेक द क्रेडिट, क्योंकि वो आपका पेटेंट है। आपके जो अधिकार, जो उससे संपत्ति, क्योंकि आपने उसमें बहुत मेहनत की है, उसमें अपना दिमाग खर्चा किया है, पैसा खर्चा किया है, बहुत कुछ खर्चा किया है, समय लगाया है, बहुत कुछ लगाया है, आप उस जगह कुछ और करते तो आप कुछ और कर सकते थे, तो आपको उसे पेटेंट करा लेना चाहिए। अगर आप उसे पेटेंट करा लेते हैं तो कोई भी आदमी उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, वो आपका एकाधिकार बन जाएगा, केवल केवल आप ही उसको बना सकते हैं, या अगर कोई बनाना चाहेगा तो आपको के पास आएगा कि साहब मैंने आपका ये पेटेंट देखा है, आपने बड़ा कोरोना की बड़ी अच्छी दवाई बनाई है, मुझे कृपया इसका अधिकार दे दें, उसके बदले में आपको इतना पैसा देने को, ये ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ, आप मुझसे ये ले लो और मुझे जो है मेरे को भी इस दवाई को बनाने का अधिकार दे दो। अगर मान लो कोई ऐसा नहीं करता और खुद से बनाने लगता है तो पेटेंट के अंदर आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पेटेंट की अपनी अदालतें हैं, अपना मैकेनिज्म है, फास्ट ट्रैक पेटेंट का एक सिस्टम भी चल रहा है। तो पेटेंट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आईपीआर है, जो कि एक्चुअली में मॉनेटरी टर्म में देखा जा सकता है। आप अपने जिसको चाहे उसको ये अधिकार दें, जिसको ना चाहे ना दें, रॉयल्टी मांग सकते हैं आपकी, ठीक है आप मेरे को 10% रॉयल्टी देना, जितनी भी दवाई बिकेगी उसका 10% प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो आपको आएगा। तो ये दुनिया में, बाहर की दुनिया में पेटेंट का अधिकार काफी पहले से प्रचलित है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले भी वहां पर पेटेंट का अधिकार पश्चिमी देशों में मौजूद था, हमारे देश में आज भी मौजूद नहीं है। अगर हम इनोवेशन की संस्कृति अपनाना चाहते हैं तो हमें पेटेंट का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसने अपनी ऊर्जा मेहनत लगाई है तो चाह सकता है, जो कि राइटफुल भी होगा, कि मुझे अपने उसका जो रिम्यूनरेशन है मुझे उससे लाभ मिलना चाहिए। तो एक तो हो गया पेटेंट आईपीआर का टाइप, एक हो गया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आपने अगर किसी भी सामान को खरीदते समय देखा होगा, ऐसे गोले में टीएम लिखा रहता है,
नाम लिखा रहता है कोई भी कंपनी, लेट से जियो, यस सर, जियो कंपनी बनाई और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ बना रहता है डीएम, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है। अब जियो कंपनी मुकेश अंबानी ने खड़ी की, उसने बहुत सारी मेहनत की, पैसा भी खर्चा किया, लोगों को लगाया, हजारों करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसके बाद जियो का वो किया। अब मान लीजिए कोई आदमी दूसरा, कोई और आदमी है, वो कहता है मैं भी जियो की कंपनी का जियो मोबाइल फोन, मैंने भी अपने नाम रख दिया जियो मोबाइल फोन। अब आज हम जियो को क्यों जानते हैं, जियो को हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लेंगे, टाटा ब्रांड है, ठीक है, आप टाटा से कोई जब सामान खरीदते हो आप श्योर हो कि भाई ये एक फला कंपनी फला व्यक्ति बना रहा है, फला कंपनी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, वो बहुत, जो इसके प्रमोटर्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सब आपको एक आइडिया होगा। तो अगर टाटा कोई नई भी चीज निकालेगा तो आप तुरंत खरीद लेंगे, पर अगर मान लो मैंने भी, किसी और व्यक्ति ने भी टाटा का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो क्या होगा, ये जो टाटा ने मेहनत की बनाई चीजों को, ये तो वेस्ट हो गई, उसने जो पैसा खर्चा गया। और ब्रांड्स एक दिन में नहीं बनते हैं, सालों में बनते हैं, सैकड़ों मतलब पचासियों साल लग जाते हैं, टाटा कंपनी को अपना ब्रांड बनाने में 100 साल लग गए, 800 साल बाद हम कह सकते हैं क्या टाटा, कई जनरेशन लगी है उसके बाद किसी प्रोडक्ट का ब्रांड बनता है। अब कोई आदमी दूसरा भी अपना फड़ा करके टाटा का कोई प्रोडक्ट बेचने लग जाए तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली हमारी सोसाइटी में ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लोग इसे ब्रीच नहीं करते फिर भी जो है इसकी कॉपी करते हैं। अब जैसे हम लोग अपने यहाँ पर देखते हैं चाइना के साथ ये बड़ा इशू है, चाइना या भारत में भी जो गरीब देश है वहां पर इशू है। आप यहाँ पर देखेंगे नाइकी के जूते और कौन कौन से एडिडास के जूते, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट आपको सरोजनी नगर मार्केट में, लोकल पटरी मार्केट में आपको मिलते दिखाई दे जाएंगे, जो सड़क पर बिक रहे हैं या कहीं कहीं स्टोर में भी बिक सकते हैं, कोई आदमी उसको डुप्लीकेट करके बेच सकता है। अब मान लीजिए आपने अपने उस पर नाइकी का लोगो लगा दिया, इससे क्या डिसएडवांटेज है नाइकी को? सर उसकी ब्रांड वैल्यू में असर पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट, उसकी ब्रांड वैल्यू में फर्क पड़ेगा। द्वारा जो मेहनत अर्जित की गई, नाइकी ने जो मेहनत करके ब्रांडिंग की है उसके द्वारा उस वैल्यू को आप यूज कर रहे हैं, आपने बस अपना जो भी लोकल प्रोडक्ट है उसको लिया, उस पर एक ठप्पा लगाया नाइकी का। अब आदमी को जो खरीदने वाला है वो नाइकी को जानता है कि हाँ यार नाइकी के जूते बड़े अच्छे होते हैं, इसका बड़ा अच्छा ऐड आता है, तो ये अच्छा ही जूता होगा। तो इसके द्वारा जो पैसा खर्चा किया गया, जो एफर्ट खर्चा किया गया, आप उसे चोरी कर रहे हैं एक तरीके से, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्टीलिंग, ठीक है, एक प्रकार की चोरी है। जैसे आविष्कार की चोरी है ऐसे ही ब्रांड की चोरी है। हेलो सर, तो एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ मैं कंप्लीट कर लूं या आपका कोई महत्वपूर्ण इंटरजेक्शन है? मैं आगे कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो अभी हमने बात की ट्रेडमार्क्स की, पेटेंट की बात की हमने, पेटेंट के अलावा भी कोई और हो सकता है, आपकी कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकते हैं, आपने कोई डिजाइन बनाया हुआ है कोई कंप्यूटर का, मोबाइल होते हैं सर, कॉपीराइट्स होते हैं आईपीआर में, वो इसमें होते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे आपने एक पुस्तक लिखी, आपने अपनी किताब बनाई, ठीक है, एक किताब अपनी बढ़िया अच्छी चली, आपने छाप दी, ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज को लेके, अब वो किताब पॉपुलर है, उसमें ठीक ठाक उसकी सेल है, कोई आदमी ये देखता है कि यार इस किताब की बड़ी अच्छी सेल है, वो उसी किताब को कॉपी कर लेता है बिना आपकी अनुमति के और अपने नाम से छाप देता है। अब जो पढ़ने वाला है वो तो कंटेंट पे जाएगा, उसे तो कंटेंट से मतलब है, उसे इससे तो मतलब नहीं है कौन छाप रहा है, किसके नाम से छप रही है। तो आप इस प्रकार जो दूसरा पहला व्यक्ति था जिसने उस पर मेहनत की, जिसने उस किताब को लिखा, उस पर बहुत हार्ड वर्क किया, उसके सामान को चोरी कर रहे हैं।
तो ये कॉपीराइट भी एक है। ऐसे ही एक जीआई होता है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये क्या होता है, ये सब इंडिविजुअल थे, जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं। परंतु हमारे यहाँ चीजों के बिकने की एक और ब्रांडिंग का एक और तरीका होता है। जैसे आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, ये बनारसी साड़ी है, या बासमती राइस लेट से, या बंगाल का रसगुल्ला, जब आप बनारसी साड़ी खरीदते हैं या कांचीपुरम साड़ी या कुछ भी, तो वो जो महिलाएं खरीदती हैं वो क्या ये देखती हैं कि ये किस दुकान से हमने खरीदी? नहीं, नो सर, वो बस क्वालिटी देखती है। किसी का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सनल शॉप का रोल नहीं है। परंतु क्या अगर मैं यहाँ बैठ के दिल्ली में एक फैक्ट्री लगा दूं और बनारसी साड़ी करके बेचूं, ये ठीक है? इसमें क्या दिक्कत है? मैं वही वैसी क्वालिटी कोशिश करता हूँ, बनारसी साड़ी बना के बेच देता हूँ, तो क्या परेशानी? नहीं सर, स्पेसिफिक एरियाज है ना, या समूह है, वहां को ही जीआई मिलता है, बनारस का ही होता है। हाँ, उन्हें बनारस के लिए पेटेंट किया गया वो। तो यहाँ पर बात यह है कि ये जो बनारसी साड़ी शब्द जो है, बंगाल का रसगुल्ला जो शब्द है, ठीक है, ये आइडेंटिटी किसने अर्न की है, ये पहचान किसने अर्न की है? तो यहाँ पहचान की बात हो रही है, चीजों के पहचान की। तो ये जो पहचान हासिल की है, ये बनारस के साड़ी बनाने वालों ने कई सौ सालों में अर्जित किया है, एक दिन में अर्जित नहीं किया। बंगाल का रसगुल्ला है, वो कई समय में, लंबे समय में लोग बनाते रहे या लोग उसको खाते रहे, कहे कि हाँ जी भैया वहाँ का बहुत अच्छा आता है। ये कांचीपुरम की एक साड़ी है, उसमें आपको पता है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। वो कांचीपुरम से एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं हुआ, बल्कि पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, पूरे एरिया से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इसको भी हम पेटेंट करा सकते हैं, जीआई को। और ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए बनारस में जो साड़ी बनाने वाले लोग हैं, या इंडिविजुअली आप बनारसी साड़ी को पेटेंट जीआई करा सकते हैं, परंतु आपको एक एसोसिएशन के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर, कि बनारस के जितने लोग जो इस कपड़ा उद्योग से, साड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई, वो लोग इसके आईपीआर डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे कहा कि साहब हमारा ये बनारसी साड़ी है, इसे आप पेटेंट करो, वो इसको जीआई दो, तो वो उसको जीआई देंगे, जीआई का अधिकार देंगे, आपके बारे में वो पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। ये भी देखेंगे कि बनारसी साड़ी, जैसे इसमें विवाद भी होते रहे हैं, बंगाल के रसगुल्ला का शब्द मैंने इसीलिए रखा कि इसमें विवाद था। फिर ये एसोसिएशन को वो एक अधिकार मिलेगा। अब वही एसोसिएशन बनारसी साड़ी को यूज कर सकता है, और कोई यूज नहीं कर पाएगा। दिल्ली में आप बैठे हुए हो, पंजाब में आप बैठे हुए हो, आप अपनी साड़ी बेचो जैसा बेचना है, पर आप बनारसी साड़ी नहीं बोलोगे। पर कभी कभी इसमें डिस्प्यूट भी होते हैं, जैसे बंगाल का रसगुल्ला का टिपिकल केस है जिसमें ये विवाद हुआ, उड़ीसा और शायद बिहार, ठीक है, ये तीन राज्यों में ये डिस्प्यूट हो गया कि जो रसगुल्ला है, बंगाल का रसगुल्ला, वो जो है बंगाली रसगुल्ला जिसको बोलते हैं, वो उसका जीआई किसको मिलना चाहिए, और अंत में किसको मिला वो जीआई? सर वेस्ट बंगाल को, बंगाल को, उड़ीसा को मिला, जहां तक मुझे पता है उड़ीसा को मिला। जे तो मुझे याद है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर थोड़ी पुरानी सी बात हो गई है, कि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो उड़ीसा, सर, उड़ीसा में वो स्पेशल वो रसगुल्ला बनाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। हाँ, तो वो रसगुल्ले का, उस रसगुल्ले का जो पेटेंट का इशू था, वो उड़ीसा के, उसमें तीन लोग, तीन स्टेट उसमें आए थे, पर उसको फिर फाइनली, मतलब ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये हमारी एक पहचान है कलेक्टिव, जैसे भाई बंगाल की एक पहचान है, तो उस पहचान पर भी कभी कभी आपसी समझ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है, जो आईपीआर अवेयरनेस, जो मैंने आपको अवेयर कराने की कोशिश की, जो अवेयर नहीं है,
अगर ये अवेयरनेस आएगी तो इससे क्या होगा, जहां से हम शुरू हुए, देखिए भाई, अगर ये अवेयरनेस आएगी आईपीआर के, जब आपको लगेगा कि अगर मैंने कोई इन्वेंशन की, जो मैंने कोई किताब लिखी, अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया, तो मैं बहुत, मैंने कोई खास चीज की तो मेरे को बहुत लाभ, या ट्रेडमार्क, मैंने कोई बिजनेस खड़ा किया तो मेरे को बहुत लाभ हो सकता है, तो मैं उसमें अपना टाइम, पैसा, सब कुछ, एनर्जी, सब कुछ लगाऊंगा, अपनी क्षमता, और इससे क्या पैदा होगा, इससे इनोवेशन पैदा होगा। भाई आदमी को एक मोटिवेशन चाहिए, तो आईपीआर को जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे देश में इनोवेशन मजबूत होगा, और यही इसका काम है, आईपीआर अवेयरनेस कराने का, लोगों के को इसकी जानकारी देने के लिए, और इसके लिए सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, CIPAM, ठीक है, ये एक विशिष्ट डिपार्टमेंट है जो यही काम करता है कि किस प्रकार से इसके बारे में कैसे आईपीआर प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा की जा सके। इसमें हमें स्टूडेंट, यूथ, ऑथर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, प्रोफेशनल, सभी को ये जो इंफॉर्मेशन है आईपीआर संबंधित वो पहुंचानी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर DIPPPP में के अंतर्गत ये विभाग, सीपाम विभाग काम कर सकता है, और इसका मैंडेट है, हमारी एक राष्ट्रीय आईपीआर पॉलिसी भी है उसके तहत काम करना। इसका एक प्रैक्टिकल वो भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछले 5 सालों में जो ब्रांड के नेम है वो आपको अब कम दिखाई देंगे, आपने कभी ध्यान दिया इस बात को? आज अगर आप ये ढूंढेंगे, यस सर, है ना, जितने हमारे जो पटरी बाजार टाइप या ऐसे जयसरोनिया नगर टाइप के बाजार थे, वहां पर आप कहें कि मुझे नाइकी का जूता, जिसमें नाइकी का मतलब नाइकी का नकली जूता मिल जाए जिसपे लेबल लगा हुआ हो, वो आपको ढूंढना अब थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, अब आसानी से मिलेगा नहीं जिसमें नाइकी का लेबल लगा हो। पहले, आज से 5 साल पहले बड़ी आसानी से मिल जाता, परंतु आज नहीं मिलेगा। तो कुछ बदलाव धीरे धीरे आईपीआर से संबंधित आ रहा है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जिनका अपना आईपीआर है वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस और पुशी हो रही हैं। पर ये जो मामला है ये केवल ट्रेडमार्क तक है, अभी भी हमारे देश में हम इनोवेशन के मामले में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनोवेशन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें स्टार्टअप्स में जाना चाहिए, हमें अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी खोज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या मैं कोई अपनी ऐसी चीज बना सकता हूँ जिसका लोगों के लिए कुछ इस्तेमाल हो, और उस अगर इस्तेमाल की चीज है और उससे अगर मैं अपना आर्थिक बेहतरी करना चाहता हूँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं उससे बुरी बात मतलब उससे कर सकता हूँ, करना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे बहुत सारे, आप में से बहुत सारे तरह तरीके के टेक्निकल नॉलेज को जानते हैं, तो अगर हम उसको इस्तेमाल करके, आप चाहें तो इसे अपने एक्स्ट्रा टाइम में, हॉबी के समय में, या जैसा भी ठीक ठीक समझे, इसे कर सकते हैं, करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा। तो ये हमारा हुआ आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम जो सीपाम द्वारा, CIPAM द्वारा चलाया जाता है। अगला है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप। अब हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कौन कौन से, चाय, कॉफी, रबर, इस प्रकार के जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो इसमें फसल बीमा योजना में कवर नहीं होते, और बहुत सारे छोटे छोटे हमारे किसान हैं जो इस तरीके की चीज फसलों को, इस तरीके के प्लांटेशन को उगाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक इंश्योरेंस दिया जाना, उनकी भी जो आमदनी है उसको सुनिश्चित करना आवश्यक है, और उसी के लिए ये स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, उनके यील्ड में पैदावार किसी कारण घटती है, तो उससे निपटने का ये माध्यम हो सकता है। कोई जो भी नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है, जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कीट लग जाए, ओले पड़ जाए, तो इस तरीके के केस में उनको ये पैसा दिया जाता है।
और ये हमारे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है उसी को और थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो हमारी अदर क्रॉप्स के लिए अवेलेबल होता है उसी का एक माध्यम है। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये दालों एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को प्राइस को स्टेबल रखने के काम में आता है, जिससे कि कीमतें बहुत तेजी से, जैसे हम बात करते हैं दालों की कीमतें एकदम 100 रुपए किलो से एकदम 200 रुपए किलो हो गई। बहुत सारे आलू टमाटर इनके दामों का हम देखते हैं ऊपर नीचे होता रहना। तो ये इसको कैसे रोका जाए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक स्पेशल फंड है, वो इसी के लिए काम करता है। ठीक है, अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अगले स्कीम की ओर चलते हैं। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ सर, ये बोल रहे थे जो पीएम बीमा योजना है, जो किसान रबर और पी की खेती करते हैं, तो जो 10 हेक्टेयर से जिनका खेत कम है उनको नहीं मिलता है या सारे लोगों को नहीं मिलता है? प्लांटेशन क्रॉप्स को कवर नहीं करता है ये जो स्कीम है, ये वाली जो स्कीम है। ऐसा लिखा था मुझे। हाँ, वो आपने ठीक पढ़ा कि ये जो स्कीम है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप, ये केवल उन किसानों के लिए है जो 10 हेक्टेयर से कम, जिनकी जमीन का साइज 10 हेक्टेयर से कम है। बड़े प्लांटेशन क्रॉप होल्डर्स के लिए नहीं है ये, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय बागान के कई कई बड़े मालिक भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अपने चाय बागान हैं, उनके लिए नहीं है ये स्कीम। सरकार ने ये जो सुविधा दी है ये सुविधा केवल छोटे किसानों के लिए दी है। बड़े किसान अपना भाई ठीक है, बड़े जो कंपनियां हैं 10 हेक्टेयर से बड़े एरिया में उनके प्लांटेशन है, तो भाई आप अपना चलाओ, आप अपना मैनेज करो, आपके पास इतनी आर्थिक क्षमता है। अब एक मतलब 10 हेक्टेयर जमीन भी अच्छी खासी होती होगी, अगर 10 हेक्टेयर का किसी के पास चाय बागान है, 1 हेक्टेयर कितना बड़ा होता है? एक हेक्टेयर कितना बड़ा होता है? 2 एकड़ से ज्यादा आता है सर। हाँ, शायद 10,000 मीटर जगह होती है इसके अंदर, अगर 10,000 स्क्वायर मीटर जगह होती है। स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर। अब इस 10,000 में मतलब 1,00,000 स्क्वायर मीटर वाली जगह, अगर छोटे बीघे वगैरह में देखें, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ बीघा जो होता है वो 800 मीटर या 1,000 मीटर को हम बीघा बोलते हैं, 2-3 फॉर्मेट है, यानी कि जिसके पास 100 बीघा से ज्यादा जमीन के अंदर में प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसको बाहर किया गया है। तो ठीक है, अब जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसको भी सरकार सुविधा दे, ये थोड़ा सा नाजायज हो जाएगा। तो हम जो किसानों हैं जिनको टारगेट है, जो इस स्कीम के अंदर टारगेट है, वो ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन 10 हेक्टेयर से कम हो, उन्हीं को ये स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, चलो। निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु, व्हाट इज निर्यात? एक्सपोर्ट। और इस एक्सपोर्ट से फायदा क्या होता है हमें? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को एक्सपोर्ट देता क्या है, मिलता क्या है हमें? फॉरेन करेंसी, रेमिटेंसेस, और एफडीआई, फॉरेन करेंसी, रेमिटेंस, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है कभी कभी, ये भी ठीक है, इसे भी जोड़ सकते हैं एफडीआई, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है ना। तो एक तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट, हमारी इनकम टोटल बढ़ रही है उसके कारण, कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, उससे रेमिटेंस आ रहे हैं, और वो भी पैसा कौन से उसमें करेंसी में आ रहा है? हमारी, हम मेहनत कर रहे हैं उसकी सरकार को ज्यादा वैल्यू नहीं है, जो पैसा बाहर से आता है उसकी ज्यादा कीमत है हमारे लिए। क्यों? अगर आप डॉलर में पैसा ला रहे हैं तो उससे क्या फायदा होता? क्यों हम उसको इतने इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी वस्तु, हम इंपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर आएंगे तभी तो हम भैया अपना इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने हैं कुछ, तो आवश्यक सामान है जिनके इम्पोर्ट के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। क्या सामान ऐसे है जो इनके बिना इम्पोर्ट किए हम काम नहीं चला सकते?
सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा हमारा करीब 25% से ज्यादा पैसा जितना भी ये डॉलर यहाँ से आ रहा है वो क्रूड ऑयल पर ही खर्चा हो जाता है। कच्चा तेल है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमें गाड़ियां चलानी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट सब कुछ चलाना है, उसके लिए चाहिए तो हमें यहाँ इम्पोर्ट करना पड़ता है, कैपिटल मशीनरी और अदर इम्पोर्ट। तो सारा इम्पोर्ट करने के लिए आपको पैसा डॉलर में देना होगा। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उधार लोगे, किसी से लोन लोगे, है ना, वर्ल्ड बैंक से लोन मांगोगे। परंतु अगर आपका एक्सपोर्टर पैसा ले आया, या एक और कैटेगरी का आदमी भी पैसा ला सकता है, वो कौन ला सकता है डॉलर, एक डॉलर तो ये ले आता है एक्सपोर्टर, रेमिटेंस, रेमिटेंस जो हमारे भारतीय लोग बाहर हैं। परफेक्ट, ठीक है, जो एनआरआई जिनको हम बोलते हैं। हमारे लिए एनआरआई क्यों वैल्यूएबल होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन क्यों वैल्यूएबल है, चाहे वो दुबई में काम करने वाला। सर हमारे अर्थव्यवस्था में इनका एक अहम रोल है सर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रोल है ही है, उसके अलावा भी ये जो रेमिटेंस ला रहा है, वो पैसा जो ला रहा है वो डॉलर में ला रहा है, उसकी हमें बड़ी जरूरत है, नहीं तो किसी से मांगना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से किसी से उधार मांगना पड़ेगा। अगर यहाँ से अपने घर से आ रहा है तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा ना, किसी को ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, अपने घर का पैसा है। एफडीआई, एफडीआई हम क्यों चाहते हैं कि लोग कोई बाहर से लोग आके हमारे देश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो डॉलर लेकर आते हैं। तो ये जितने लोग डॉलर लाते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो ये तो कर ही रहे हैं, ये तो हम सब कर रहे हैं, जीडीपी तो हम सारे कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं तो सरकार का हमारी जीडीपी में ऐड हो रहा है। परंतु हमारे पैसे के अलावा इनका जो पैसा है ये एक्स्ट्रा माइलेज रखता है, जीडीपी में तो जुड़ता ही जुड़ता है, पर एक एडेड एडवांटेज है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का गैप है उसको फुलफिल करने में मदद करता है। अन्यथा क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, हम अपना इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या हमें करना है तो किसी से उधार मांगना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी नहीं रहेगा, देश की इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा जो ये फॉरेन करेंसी का सोर्स है, जो विदेशी मुद्रा, इसीलिए हम लोग एनआरआई और ये सबको बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब देश की इकोनॉमी में, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसे ही इसलिए हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, उनमें एक स्कीम है जिसका नाम है निर्यात बंधु, एक्सपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, बंधु का मतलब फ्रेंड, ठीक है, कि हमारे जो एक्सपोर्टर फ्रेंड्स हैं, जो नए नए एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनको हम कैसे सहायता दे सकते हैं। तो हम नए पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को ढूंढते हैं, उनको मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं कि भैया तुम इंटरनेशनल ट्रेड में जाओ, वहाँ कुछ काम करो, अब हमारे इस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। तो ये निर्यात बंधु स्कीम है, जिसमें जो कि एक मेंटरशिप स्कीम है फॉर न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स, ठीक है। हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जब अभी एक्सपोर्ट की ही बात चल रही है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो विदेशी व्यापार की जो नीति है, उसमें कई सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को। नंबर एक, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब जो लोग यहाँ से कोई मर्चेंडाइज गुड भेजते हैं उनको सरकार वापस बदले में कुछ पैसे, स्क्रिप देती है, मतलब एक तरीके से कैश देती है, 4-5% तक ये पैसा दिया जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया तो आपको 5 रुपया सरकार की तरफ से मिल जाएगा। फिर एक योजना है विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, VKGUY, ये दूसरी स्कीम है, VKGUY, विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना। ये योजना क्या है, हमारे देश में क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, तो हमारे पास ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, अब खासतौर पर चाइना के रहते हुए, क्योंकि चाइना बहुत सारी चीजें बना देता है, आपसे बहुत कम कीमत में भी बना देता है, तो आपको बड़ा फाइट हो जाता है कि आप उसके रेट को कम्पीट नहीं कर पाते, उसका सामान बिकता है, हमारे सामान को कोई पूछेगा नहीं। तो पर एक चीज है जहां पर हम काम कर सकते हैं, वो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की काफी डिमांड रहती है, हमारा काफी व्यापार रॉ मटेरियल टाइप का या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टाइप का रहता है, तो ऐसे व्यापार को, और उसमें भी कुछ विशेष कृषि के उपज हैं,
ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इसको एनकरेज करने के लिए कि इस तरीके की खेती को ज्यादा एनकरेज किया जाए, उसके लिए ये विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग जो मतलब रूरल डेवलपमेंट, जैसे वहां पर क्या होगा, वहां पर आज के समय में सब जगह क्या चल रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, खासतौर में डेवलप्ड वर्ल्ड में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को खरीदने का एक संस्कृति है। अब इस संस्कृति में क्या होगा, हम किसी को कुर्सी खरीदनी है, लेट्स से चेयर खरीदनी है, तो चेयर कैसी हो सकती है सर, लकड़ी की, लकड़ी की, प्लास्टिक की हो सकती है, पहले मैं उधर से चलता हूँ, ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी हो सकती है, चाइना प्लास्टिक की कुर्सी बनाने में बहुत अच्छी कुर्सी बना देगा, बढ़िया बढ़िया कुर्सियां बना के बेच देगा, अब हम इसमें उससे कम्पीट कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके भाई टेक्नोलॉजी है, कर ही पाएंगे तो अभी हमें टाइम लगेगा, 20 साल लगेंगे, परंतु यदि मैं हमारे यहाँ पर बांस की कुर्सी बड़ी अच्छी अच्छी बनती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बांस होता क्या था, बांस नहीं होता सर, बांस को उसको फार के उसमें थोड़ा सरकंडा होता है सर, सरकंडा, बांबू 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 बांस, नहीं सरकंडे वाली कुर्सी की बात कर रहा हूँ, बांस की भी बन सकती है, तो ऐसे प्रोड्यूस से अगर अपने, अब ये सरकंडा की कुर्सी बना के हम इस फर्नीचर को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है कि विदेशों के लोग, इसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी प्लास्टिक की कुर्सी से, सस्ता पड़ेगा, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दो ठीक है, और अट्रैक्टिव है बाहर के आदमी के लिए, हाँ तो हमारे लिए बहुत कॉमन साइट हो सकती है, पर शायद एक विदेशी व्यक्ति के लिए बड़ी अनोखी सी चीज हो सकती है, अच्छा ये भी इस्तेमाल हो सकता है लकड़ी का उसके लिए, तो अगर हम इस प्रकार के एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को विदेश भेजें तो क्या होगा, हमारे गांव में, क्योंकि ये सरकंडा की कुर्सी कहाँ बनती है, फैक्ट्री में नहीं बनती, हमारे गाँव के घरों में बनती है, तो वहां से वहां पर एक बहुत बड़े उद्योग की वो शुरू हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट है, तो ऐसे उद्योग को एनकरेज करने के लिए ये VKGUY स्कीम है, बांस के प्रोडक्ट, अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से यदि हम कोई चीज बनाकर भेजेंगे तो हमें अपने एक्सपोर्ट के अलावा, मतलब जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए आपने इस सरकंडे की एक उसमें 1,00,000 रुपए की सरकंडा की कुर्सी बेच दी बाहर, सरकार आपको 5% पैसा सरकार दे देगी, 5% या 2% या 3% मुझे एग्जैक्ट इसका परसेंट नहीं है याद है, तो 1,00,000 रुपए को आपको यहाँ से मिलेंगे जिसको आपने सामान बेचा है, 5,000 सरकार भी देगी आपको, आपको एनकरेज करने के लिए कि ठीक है आपको 5,000 रुपए हमारी तरफ से, तो आपको टोटल मिल जाएंगे 1,05,000 रुपए, तो आपका व्यापार उससे एनकरेज हो सकता है, ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 10:35 पर वापस मिलते हैं, ओके सर। अभी BPSC के बारे में कोई न्यूज है क्या है लेटेस्ट? हेलो,
चंद्रा एम आई ऑडिबल? हेलो यस यस, आप क्या बता रहे? मैं पूछ रहा था कि बीपीएससी के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज है क्या जो उसका पोस्टपोन हुआ है? मुझे तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन बाकी कोई हो सकता है। बीपीएससी का अभी तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, पोस्टपोन था जो डेट एक्सटेंड की थी, जो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करना था, बट वो अब 23 जनवरी को हो गया। अभी लेटेस्ट न्यूज कोई नहीं है। नहीं, 23 जनवरी को भी पोस्टपोन्ड हो गया है? अभी तो ऐसा साइट पे तो नहीं आया, मैंने कल ही चेक किया था। नहीं, इतना तो श्योर है कि 23 को पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन 23 को पोस्टपोन्ड हो गया, अभी आगे वाला कोई न्यूज नहीं आया। ठीक है, तो देख, चलिए, थैंक यू इंफॉर्मेशन दीपक जी आपने प्रोवाइड कराई, और ऐसा कुछ होगा तो शेयर करेंगे आप उसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, और थोड़ा आप लोग सर से बोलिएगा ना ग्रुप बनाने के लिए, अगर आप लोग का इरादा हो तो, क्योंकि एक दिन बात किए थे ना हम लोग ग्रुप बनाने के लिए। हेलो, यस सर। तो चलो, तो ये हो गया निर्यात बंधु स्कीम। ओके, विशेष कृषि उपज योजना। फिर अगला है फोकस मार्केट स्कीम।
हमने विशेष कृषि उपज योजना, ये सब स्कीम याद रखिएगा नाम, MIS स्कीम, VKGUI स्कीम, अगली है FMS फोकस मार्केट स्कीम। अब ये एक्सपोर्ट से संबंधित एक और स्कीम है, हर स्कीम अपने में अलग है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही स्कीम नहीं है। अभी आप ये मत सोचिए कि सारी एक्सपोर्ट की स्कीम है, हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग है। यहाँ है फोकस मार्केट। हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम कुछ क्षेत्रों में, कुछ बाजारों में तो हमारा अच्छी प्रेजेंस है, ठीक प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, जैसे अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में हमारी थोड़ी प्रेजेंस है, परंतु कई मार्केट ऐसे हैं जैसे साउथ अमेरिकन मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है, यहाँ हमारी प्रेजेंस कम है। अगर आप ये कहेंगे ब्राजील में, अर्जेंटीना में या अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा कितना एक्सपोर्ट है, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, हो सकता है कम हो, रिलेटिवली काफी कम है। तो उस इस मार्केट में, मतलब ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां हमारी पहुंच कम है, रिलेटिवली काफी कम है, और हम यहाँ ज्यादा जा सकते हैं। अब ये पहुंच कम क्यों है, क्योंकि हो सकता है यहाँ का फ्रेट कॉस्ट ज्यादा हो, अदर ड्यूटीज ज्यादा हो, मतलब वहां पर भाड़ा ज्यादा लगता है। जैसे साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां एक चैलेंज ये है कि वहां का भाड़ा रिलेटिवली ज्यादा है, कम ट्रैफिक है तो उसके कारण और ज्यादा भाड़ा है, तो भाड़ा ज्यादा होने के कारण से वहां हमारा एक्सपोर्ट कम है। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये स्कीम काम करती है जिसका नाम है फोकस मार्केट स्कीम, कि ऐसे क्षेत्रों में, दुनिया के ऐसे क्षेत्रों में जहां हमारी पहुंच कम है, वहां पर यदि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। और केवल ये जो बेनिफिट है ये गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं है। फिर एक और स्कीम है जिसका नाम है FPS स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम। फोकस प्रोडक्ट क्या है, जैसे यहाँ पर मार्केट पर जोर है, यहाँ पर प्रोडक्ट पर जोर है, कई ऐसी वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, लेट्स से ठीक है, हम प्लास्टिक चेयर का ही उदाहरण लेते हैं जिस पर कि अभी हम बात कर रहे थे, प्लास्टिक चेयर एंड बैम्बू चेयर, इन दोनों का एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं, दोनों का एक्सपोर्ट वैसे तो फायदेमंद है, जिसका हो जाए वो ठीक है, परंतु फिर भी दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? सर प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाला, ओके। नो सर, बैम्बू चेयर। रीजन दोनों, जिसके भी जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं आप, पक्ष में रहिए अभी, पक्ष में। सर सर प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला सर, प्लास्टिक उनको बोलने दो जो उसके फेवर में बोल रहे हैं। प्लास्टिक चेयर से फायदा क्या होगा? फायदा सर इस, मतलब अर्थव्यवस्था में, क्योंकि ये मतलब इतना लोग में अवेयरनेस नहीं है बैम्बू बांस के प्रति, लोग प्लास्टिक बांस चेयर पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं सर, और ज्यादातर मार्केट में वही चल रहा है ये, तो ज्यादा उसका लोग खरीदेंगे, ज्यादा खरीदिए, आर्गुमेंट है कि मतलब मार्केट ज्यादा है, खरीद है इसकी, ठीक है, ऐसा अच्छा। बैम्बू में क्या फायदा भी ज्यादा होगा इसकी, प्रोडक्शन ज्यादा, ये भी लिख लेता हूँ, प्रोडक्शन ज्यादा, रिसाइकल कर सकते हैं सर, रिसाइकल कर सकते हैं। और बैम्बू क्यों सर, ये इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट में सर ज्यादा ये होगा बैम्बू का ये मतलब प्रमोशन, क्योंकि वहां पे बैम्बू कोई करता नहीं होगा यूज, ठीक है, वेरी गुड, ओके, लेस नोन प्रोडक्ट है, मतलब मोर मार्केट के लेवल पर से, हाँ अर्थव्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सर वो चाइना भी प्लास्टिक चेयर कर सकता है, इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अधिक होगा सर। कैसे, वो तो ठीक है आपने मुझे बोला, पर कैसे, मतलब मुझे वो की पॉइंट चाहिए, कैसे बैम्बू चेयर का रिलेटिवली, वैसे तो दोनों ही लाभदायक हैं, पर अगर मैं बैम्बू चेयर को बोलूं तो ये ज्यादा मेरे को आर्थिक रूप से, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ज्यादा मेरे को आर्थिक रूप से लाभदायक है, पर क्यों सर? पहला रीजन ये हो सकता है कि पहला तो ये इको फ्रेंडली है, चलो और बेसिक लेवल पर सर हम लोग
कौन बोल रहा है विलेज, एक मिनट दीपक, इको फ्रेंडली हो गया विलेज, हाँ बोलना जरा किसने बोला था अभी कुछ विलेज शब्द मैंने सुना कहीं सर, विलेज लेवल पे लोगों को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर हम लोग हमको सबको इंक्लूड करना पड़ेगा तो इसके लिए सर हम लोग विलेज लेवल के लिए विलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में वैसे तो दोनों प्रोडक्ट में जिसका भी एक्सपोर्ट हो जाए वो अच्छी बात है, परंतु जैसे कुछ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण निकल के आए, बैम्बू चेयर वर्सेस प्लास्टिक चेयर में नंबर एक कि ये इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मार्केट पोटेंशियल कहीं ज्यादा है बैम्बू चेयर का प्लास्टिक चेयर से। उसका कारण कि प्लास्टिक चेयर आप ही नहीं बना रहे, आपके और कॉम्पिटिटर भी बना रहे हैं, चाइना उसमें आप सबसे ज्यादा आप रख सकते हो। तो चाइना निश्चित रूप से आपसे अच्छी क्वालिटी के चेयर, आपसे कम दाम के चेयर बना देगा और बेचेगा। जब दो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, एक कुर्सी जो पुअर क्वालिटी की, रिलेटिवली पुअर क्वालिटी की मेड इन इंडिया है, एक बेटर क्वालिटी की चेयर कम कॉस्ट पर चाइना द्वारा उपलब्ध है, तो कौन सी चेयर बिकेगी? उनकी चेयर चाइना वाला, चाइना वाली। परंतु बैम्बू वाले में देखें तो बैम्बू में क्या है कि चाइना में शायद मेरे ख्याल से बैम्बू, उनको आइडिया नहीं होगा ना उनके पास ये स्किल होगा कि कैसे सरकंडे से कुर्सी बनाई जाए। हमारे पास वो हुनर है, हमारे कारीगरों के पास हुनर है, नंबर एक। नंबर दो, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी होगा, साथ साथ जो एक्सपोर्ट और वो सब बेनिफिट तो हो ही रहे हैं, पर साथ साथ क्या कर रहा है, कहां बनता है बैम्बू? गाँव में, एक गांव में, जहां भी गांव डिस्ट्रिक्ट जिला में जहां पर बनेगा तो वहां के कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को। यहाँ प्लास्टिक चेयर, एक प्लास्टिक चेयर की जिस फैक्ट्री में बनेगा वहां पर 5 लोगों को रोजगार मिलेगा, पर अगर और उसका प्रॉफिट एक आदमी को ज्यादा जाएगा। अगर पर ये गांव में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक आदमी को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, मुकेश अंबानी बहुत अमीर बन जाएंगे, पर उससे हमें लाभ नहीं है। हमारे गांव में छोटा छोटा लोगों के पास 5,000-5,000 रुपया इनकम बढ़ेगा, 10,000-10,000 रुपया इनकम बढ़ेगा, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने हेल्थ पर खर्चा करेंगे, तो वो हमारे लिए, यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव है ये पूरा करेगा। फिर किसी ने विलेज डेवलपमेंट बोला था, भाई रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, हम, हमारी बड़ी समस्या है कि भाई हमारा रूरल डेवलपमेंट कैसे हो, गांव के अंदर कैसे रोजगार मिले। तो ये बैम्बू चेयर जो सरकंडा का कुर्सी है, बहुत बड़ा वो हो सकता है, गांव में कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, गाँव में ही इसका रॉ मटेरियल मिलता है, वहीं पर इसको बना लिया, वहां से इसको बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छा मौका है। इको फ्रेंडली है, ये एक और कारण है कि भाई लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। अब प्लास्टिक चेयर ठीक है, पर ये रिलेटिवली लेस इको फ्रेंडली है, रिसाइकल वाइकल कर सकते हो, परंतु ये तो पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, किसी तरीके का हेल्थ का नुकसान नहीं है। तो जो बैम्बू चेयर है हमारे को ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट, अब इट इज एन इनोवेटिव आइडिया, अब इस इनोवेटिव आइडिया को किसी को परस्यू करना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर कोई सरकंडे की कुर्सी को बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से प्रमोट करे, डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा इसमें स्कोप ढूंढ सकते हैं विदेशी बाजारों में। तो ऐसे बड़े सारे आइडियाज हो सकते हैं, और बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी चल भी रहे हैं। हम लोग एक बार गए थे, अभी क्या है, अगर आप शहरी शादियों में भी चलें तो एक हमारा कुल्हड़ होता था, कुल्हड़ समझते हैं ना सब लोग, तो सर कुल्हड़ में ही चल देते हैं, मिट्टी का, बीच में क्या हुआ, यस सर, प्लास्टिक का कप और जो है वैसा कप, प्लास्टिक का या पेपर का भी कप जो आता है वो चलने लगा। पर आज के समय में आप अच्छे, ज्यादा अच्छी जो दुकान पर जाएंगे तो पता चलेगा आपको, वापस महंगे दुकान में गए तो कुल्हड़ में ही चाय मिल रहा है। कुल्हड़ में चाय पहले या तो बिल्कुल गांव के देहात में मिलेगा, या तो बहुत अच्छे शॉप में मिलेगा। नई नई जगह पर शादियों में ये बर्तन यूज हो रहा है मिट्टी का, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है, कोई वेस्टेज नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके का नॉन बायोडाइव, नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ये कल्चर है और बहुत बड़ा मार्केट है, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है विदेशों में, इस तरीके के बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का।
एक और आइटम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वो है हमारा जो क्या बोलते थे पहले, एक पत्तल। प्लास्टिक और ये पेपर कप, आज के समय में ये पत्तल और जो साउथ में एक प्रोडक्ट होता है फाइबर का, जो ये नारियल से शायद निकलता है, उसके द्वारा बनाए गए पत्तल, उनका भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारे आसपास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम इनको, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भारत के पास बहुत बड़ी एज है। जैसे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम उस क्षेत्र में कॉम्पीट ना करें। हर कोई आईएएस बनना चाह रहा है, मैं भी आईएएस बनना चाहूंगा तो क्या होगा सर, तो जो छोटे काम उससे लोग दूर हो जाएंगे, अवसर कम हो जाएगा। भाई सीट तो फिक्स है ना भाई, सीट तो 800 ही है, अभी 20 लाख लोग दे रहे हैं इस साल, अगले साल मान लीजिए 25 लाख लोग देने लगेंगे, तो आपका सक्सेस का परसेंटेज, ऐसा नहीं कि आप कम अकलमंद थे या ज्यादा अकलमंद थे, आपका सक्सेस का परसेंटेज घट जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट होंगे, दुखी होंगे, अरे मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं ये हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, लाना फलाना बहुत कुछ सोचेंगे। बट ये सीरियसली कि आपको लगता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर कोई रिफ्लेक्शन है? एक जमाना था जब 70s में 800 सीट के लिए 10,000 लोग भी फॉर्म नहीं भरते थे, 8,000 लोग फॉर्म भरते थे। 80s आते आते ये नंबर बढ़ गया, 800 सीट के लिए 20,000 लोग भरने लगे। जब हम दे रहे थे तब 10-12 लाख लोग दे रहे थे, अभी 20 लाख लोग दे रहे हैं, सीट उतने ही हैं मोटा मोटा। तो अब क्या ये लोग, हमारे लोग कम इंटेलिजेंट हो गए? भाई जब 8,000 लोग फॉर्म भरते थे और 800 सेलेक्ट होते होंगे, तब से पास होने की संभावना कितनी थी, जब लोगों को पता नहीं था एग्जाम के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि इस हमारी जो कैपेबिलिटी है वो घट रही है, इट्स ओनली कॉम्पिटिशन दैट इज इंक्रीजिंग। इसको हम घटाने का, अगर हम कोई दूसरा नया रास्ता ढूंढ दे तो उस क्षेत्र में काम करें। हम चाइना के साथ प्लास्टिक के चेयर में कम्पीट करेंगे? कभी नहीं कर सकते। हम ऐसे क्षेत्र में करें जहां वो है ही नहीं, हम 100% जीत सकते हैं। ओके चलो, तो मैं ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, आप अगर हम काम करें, और इट्स नॉट दैट कि ये आइडियाज हैं, जूट बैग का, हमारे बंगाल में जूट का बैग बहुत अच्छा बनता है, बहुत बड़ा व्यापार है इस जूट बैग का, बहुत अच्छी मात्रा में जाता है, क्योंकि ये भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जो लोग अब बिहार और झारखंड इधर से आते हैं उनको आइडिया होगा कि किस प्रकार से जूट बैग, इसका बहुत अच्छा बाजार है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, और उनमें से भी ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना जिनमें एक्सपोर्ट इंटेंसिटी ज्यादा हो, मतलब एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा हो, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने वो बैम्बू चेयर का आपको उदाहरण दिया था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को, अब हो सकता है पत्तल के व्यापार में या जो कुल्हड़ के व्यापार में मुकेश अंबानी को इंटरेस्ट ना हो, मुकेश अंबानी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं, पर अगर कुल्हड़ और पत्तल का व्यापार किया जाएगा, इसमें हमारे गांव के लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये एक और स्कीम है कि हमारे देश से बहुत सी सर्विसेज हम दे सकते हैं, सर्विस सेक्टर में क्या काम कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हो आप सर्विस सेक्टर में? ट्रेवलिंग टूरिज्म है जी, ट्रांसपोर्टेशन को सुधार सकते हैं, टूरिज्म नहीं, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे, ध्यान रख, नहीं हाँ टीचिंग, यस सर, टीचिंग में हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम इतने अच्छे स्टूडेंट वो है नहीं भैया, हमारा एजुकेशन लेवल और उनका एजुकेशन लेवल में बहुत अंतर है। हमारे हाउसकीपिंग सर, हाउसकीपिंग में कर सकते हैं सर, हाउसकीपिंग सर्विस में आईटी ग्रेजुएट्स भी जा रहे हैं बहुत सारे, नहीं वो फिर रेमिटेंस वाला मामला हो गया, उसमें आप वो हो गया मैन पावर का कि वहां पर जाके लोग सर्व कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या, आपको अमेरिका को कोई सेवा देनी है,
आप यहाँ रहते हुए अमेरिका के लोगों का कोई काम कर दीजिए जिसके बदले में वो आपको पैसा दे दे, दैट इज सर्व फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या क्या होती हैं, बहुत सारे बीपीओज आपने देखे होंगे, यस सर, कॉल सेंटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यस सर, ये क्या करते हैं कॉल सेंटर, सर्विसेज देते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर केयर के तौर पे काम करते हैं, कस्टमर केयर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए एक अमेरिकन आदमी है, उसका उसने ये डेल का लैपटॉप खरीदा है और उसका डेल का लैपटॉप में कुछ समस्या आ रही है। हर कंपनी को अपना कस्टमर केयर चाहिए, अपना एक अलग वो चाहिए जो उसके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुन सके, उनको जवाब दे सके। हमारे कोचिंग को भी कस्टमर केयर सर्विस की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, कि कोई सबके बच्चों के फोन सुन सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके, होना चाहिए हमारे पास, पर पैसे नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो अगर ये होगा तो हमारे कस्टमर बेसिस बढ़ेगा, हमारे लोग ज़्यादा जुड़ सकेंगे। तो हमारा जो ऐसी हर कंपनी जो भी व्यापार कर रही है, प्रोफेशनल कंपनी है, उसको ये ज़रूरत है। ये कंपनी जिसने लैपटॉप बनाया है वो यूएस में भी यूज़ होता है, अब वहाँ के लोग फ़ोन करना चाहते हैं किसी कस्टमर केयर को, तो वो किसको फ़ोन करेंगे? दो सिनेरियो लेते हैं, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में एक डेल कंपनी है, डेल कंपनी के को अपने लोगों को सलाह, वो अपने कस्टमर की बात सुनना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसने 50 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रखे। इन 50 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? कल हमने बात की थी, 2 लाख लगभग पर बंदे को देना, मतलब एक आदमी को, क्योंकि वहां पे मिनिमम वेजेस के रूल अप्लाई होते हैं, तो लगभग एक आदमी को इनको महीने का $3,000 देना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख रुपया देना पड़ेगा एक आदमी को। 50 से आप गुणा कर लो, करीब 1 करोड़ रुपया इनका बिल बन जाएगा, केवल और केवल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, जो कि उनकी उसकी परेशानी को सुनेंगे। एक आदमी थोड़ा समझदार है भाई, बात ही तो सुननी है, जाना तो कहीं है नहीं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव केवल आपका फोन सुनता है और सुनकर आपको कुछ बताता है जो भी उसे समझ आता है, और अगर वो नहीं सॉल्व कर सकता तो आगे किसी को बता देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा आपकी कंप्लेन को। अब मान लीजिए ये फोन सुनने का काम हम इंडिया दे देते हैं, पाकिस्तान में दे देते हैं, जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, यूएस के लोगों से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और उनकी जो भी गालियां हैं वो भी सुन सकते हैं। अब उसने यहाँ 50 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिए, यहाँ पर कितने पैसे देने पड़ते हैं कॉल सेंटर को, एक आदमी को यहाँ 15-20 हज़ार रुपये में, है ना, 20 हज़ार रुपये में, और 50 आदमी उसने रखा मान लीजिए, तो जो 10 लाख रुपया में ही उसका वही काम जो 50 लोग कर रहे थे यूएस में, वही काम 50 लोग उसके 10 लाख रुपये, 10 गुना उसकी कीमत घट गई, तो फायदा ही फायदा है। ये जो डेल कंपनी है तो खुशी से ढूंढेगा कि कोई मेरे को ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरा कुछ काम कर दे। दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम यहाँ से बैठे बैठे इंडिया में रहते हुए अमेरिका में अपनी कुछ सेवाएं प्रदान करें। बहुत सारे सेक्टर्स में काम है, हर लगभग हर सेक्टर में कस्टमर केयर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक में ऐसे लोग हैं जो, और वहाँ पर क्योंकि कीमतें, लेबर लॉ वगैरह का वहाँ भी झगड़ा होगा तो उनसे भी बचाव मिल गया। तो ये सब कंपनियाँ जो है बीपीओ का काम करती हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बड़े सारे काम है, मेडिकल के, लीगल के, इंश्योरेंस के, कंप्यूटर की कंपनियों के बहुत सारे काम है जो वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बीपीओ और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इसके अलावा भी अलग तरीके की हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया, आप उनको बेच दीजिए, आप कोई डिजाइनर हैं, हम में से कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो वीडियो बना सकते हैं, जो कोई ग्राफिक्स बना सकते हैं, किसी को जरूरत है उसके लिए बना के भेज दिया आपने, वो आपको पैसा भेज देंगे।
दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो ऐसे बड़े सारे काम हम उनके द्वारा हम भेज सकते हैं और जिससे हमको फायदा हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड सर्व्ड फ्रॉम, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उनके लिए सुविधा के लिए ये सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम बनाई गई है, जिसमें ऐसे सर्विस एक्सपोर्टर्स को जो ऐसा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 10 लाख से ज्यादा का कर रहे हैं, ठीक है, उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, उनको भी एक प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो कि 10% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बराबर. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया कमाया तो 1 लाख रुपया आपको वो प्रदान करेंगे कि ठीक है हम आपको 1 लाख रुपया देते हैं, आप जो है इससे वो काम चलाओ. तो ये एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट है क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि भाई इससे हमारे देश में जो रोजगार है वो बढ़ता है. तो ये सारे काम हम कर सकते हैं. एक और तरीके का आज के समय में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है फिर भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ. हम बाहर जो है एक और सर्विसेज को भेज रहे हैं आजकल, आए दिन अखबार में देख रहे हैं, वो है स्कैमिंग सर्विस. इससे हम स्कैमर्स हैं हम लोग बहुत सारे, हमारे बहुत सारे कॉल सेंटर वो क्या काम कर रहे हैं स्कैमर का. जैसे हमारे पास कॉल आते रहते हैं ना कि ये ले लो वो ले लो और वो चीट करने के लिए आपका फंड से आपके पैसा निकाल लेते हैं, ये कोई लॉटरी है ना वो वाला जो बिजनेस है. ऐसे ही भारत के बहुत सारे बीपीओज हैं जो जेन्युइन काम ना करके ये स्कैमिंग सर्विसेज कर रहे हैं. यूएस में फोन करते हैं, वहाँ के लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आपको हम ये ऐसे ऐसे देंगे, आपके में ये प्रॉब्लम है, आप हमें इतने पैसे दे दो. तरह तरह की चीटिंग है, रेवेन्यू के नाम पर, कंप्यूटर्स के नाम पर वहाँ से चीटिंग करते हैं. और इंडिया इज अर्निंग अ रेपुटेशन इन यूरोप एंड इन यूएस एज अ स्कैमर कंपनी, स्कैमर कंट्री. यहाँ के बहुत सारे लोग, आप अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे इस मामले में तो आपको मिलेगा ये चीज कि वहाँ के एक वर्ग है जो ये मानता है कि इंडिया में ये लोग चीट करने. जैसे हमारा बिहार को लेके एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना, एक जमतारा करके मैंने देखा एक नेटफ्लिक्स पे कोई सीने चाहे सीरीज भी, जैसे झारखंड में वो जाड़ा. अब झारखंड की रेपुटेशन हमारे लिए क्या बन गई है, ये जमतारा या झारखंड के लेके भाई वहां पर सारे जो नवयुवक हैं युवतियां हैं ये लोगों को चीट करने का काम कर रहे हैं. ऐसी ही मानसिक समझ इंडिया को लेके बाहर बन रही है. ये भी हम एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, परंतु इससे हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके की स्कैमिंग सर्विसेज से क्या हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं या ठीक है नुकसान तो आई नुकसान ही हो रहा है सर, नुकसान कर रहे हैं सर. भाई फॉरेन करेंसी तो आ ही रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान कर रहे हैं सर. वो तो ब्लैक आ रहा है ना सर, तो क्या हुआ ब्लैक है व्हाइट है पैसा तो पैसा होता है सर. फॉरेन करेंसी तो आ रहा है बट बाहर की कंट्री जो बीपीओ को देना चाहेंगे कि इस देश में दे दिया जाए बीपीओ का काम करे तो वो लोग देंगे नहीं, दूसरे देश वालों को दे देंगे. वेरी गुड, क्रेडिट खराब होगा हमारा. हमारी जो रेपुटेशन है, देखो हम सुबह भी ये बात कर रहे थे ना, ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पैसा आ सकता है जा सकता है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है जो ना तो आसानी से आता है. ट्रस्ट बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, विश्वास बड़ी मेहनत से इकट्ठा होता है. जाने में बहुत समय नहीं लगता पर कमाने में बहुत समय लगता है इसको, ट्रस्ट. तो अगर हमारी रेपुटेशन, हमारी भारत को लेके जो रेपुटेशन बन जाएगी कि दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ चीट्स, तो जब भी कोई आदमी यहाँ से जाके बात करेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे यार कुछ वो तो नहीं करेगा, चकमा तो नहीं देगा, कोई मेरे को धोखा देने के चक्कर में तो नहीं है, ये भी स्पैमर तो नहीं है. बेशक अब जैसे आपने सोचा कि मैं एक जेन्युइन बिजनेस करता हूँ और वो जो सरकंडे का चेयर है वो बेचूंगा, ठीक है, आपने तय किया और आप कोशिश कर रहे हैं, पर वहां का आदमी जब आपसे बात करेगा सोचेगा यार मेरे से एक आदमी ने $50 ले लिए थे, ये भी वहीं से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, ये भी कुछ ऐसी स्कीम चला के तो नहीं ला रहा. और उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रस्ट है वो खत्म होगा. और ट्रस्ट को जो वैल्यू करना अभी तक इकोनॉमिस्टों के बस का रोग नहीं है, ना तो उन्होंने कभी कोशिश किया ना वो करना चाहते, मतलब अभी थोड़ी थोड़ी कुछ कोशिशें हैं और हमें सीरियसली कोशिश करनी चाहिए कि ट्रस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है.
तो उसका हम बहुत सीरियस नुकसान कर रहे हैं जो कि इररिपेयरेबल लॉस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इस लॉस में तो सर गवर्नमेंट का भी रोल है ना सर, क्योंकि जब हमारा कोई भी मान लीजिए जैसे बांबू का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट सेल करने के लिए एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरलिंक तो कनेक्टेड तो होगी ना सर उस। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट क्या हमारे देश से बाहर है क्या भाई, हमारे देश की तो सरकार है भाई। ये रिफ्लेक्शन किसके ऊपर जाएगा? आप मान लीजिए नाइजीरिया से आपके पास फेक कॉल्स आते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? मान लीजिए नाइजीरिया से लॉटरी स्कैम चल रहा है, नाइजीरिया के बारे में आपकी क्या समझ है? नाइजीरिया दो तीन चीजों के लिए फेमस है, लॉटरी स्कैम और ड्रग पेडलिंग के लिए, है ना। कोई भी नाइजीरियन व्यक्ति ब्लैक आपको दिखता है भारत के अंदर में, तो आपको क्या दिखाई देता है कि ड्रग का वो होगा, ड्रग चाहे वो ना भी, है ना। हर कोई, हर नाइजीरियन तो ऐसा नहीं होगा ना जो ड्रग पेडलर हो, हर आदमी तो नहीं बेच रहा होगा। 100 में से 1 या 100 में से 5 ही लोग ऐसे होंगे जो ड्रग्स का काम करते होंगे। तो परंतु हमने पूरे नाइजीरिया के बारे में ये समझ बना ली कि सभी लोग यहाँ पे ड्रग बेचने का काम करते हैं या लॉटरी स्कैम का काम करते हैं। और वहां की सरकार के ऊपर भी आपने एक रिफ्लेक्शन तो बनाई लिया कि भाई ये सरकार बेकार है, यहाँ ड्रग बिकवा रही है, ये अपने देश में लोगों को कंट्रोल नहीं कर। सेम चीज हमारी सरकार के बारे में भी राय बनेगी। वही चीज हमारे बारे में भी उनके राय बनेगी, यही चीज हमारे साथ भी हो रही है। तो ऐसा है बिल्कुल कि गवर्नमेंट को पर मैं एक चीज बोलूंगा, देखो काइंडली डोंट डिसोसिएट गवर्नमेंट फ्रॉम योरसेल्फ। गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री, पीपल आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और पीपल गवर्नमेंट से ऊपर है। जो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सरकार में गवर्नमेंट क्या है? अगर आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कि कुछ नेतागण जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं है, उनका तो धंधा है, उनकी रेपुटेशन भी नहीं है, सबको पता है उनकी अपनी रेपुटेशन क्या है। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो रहा है। दे वॉन्ट टू स्टे इन पावर, यस दे आर स्टेइंग इन पावर। दे वॉन्ट मनी बाय दिस मेथड दैट मेथड, यस दे आर अर्निंग मनी। तो पॉलिटिशियंस का क्या जा रहा है? अगर इफ यू मीन टू से गवर्नमेंट इज पॉलिटिशियन, बट गवर्नमेंट इज नॉट पॉलिटिशियन, वी आर पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, हम ही ने इनको भेजा है। परंतु जो पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके तो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो तो ये जो स्कैमर वाला कोई होगा ना, अगर उनकी जानकारी में कोई आएगा तो वो तो अपना एक आदमी भेज देंगे कि भैया जाओ वहाँ पे, वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, वहाँ से हमारा हिस्सा लेके आओ। तो वहाँ जाएगा उनका एजेंट, वो जाके बोलेगा उनसे कि भाई देखो तुमने जो है पिछले इतने उसमें इतना पैसा कमाया, 1 करोड़ रुपया कमाओ, नेताजी ने बोला है 10 लाख रुपए हमारे अलग रख देना, बिहार में हमारी किडनैपिंग इंडस्ट्री थी। ऐसा तो नहीं था कि किसी को पता ना हो, सबको पता होगा, परंतु जैसा मैंने सुना है, आई हैवंट सीन, पर जैसा मेरी जानकारी में है उस बिहार पर बोलूं तो हमारे नेतागण वहां पर अपना शेयर मांग रहे हैं। Because what they are looking for is money. They are not looking for the country. उनको concern कहाँ है देश के बारे में? आप देश का कुछ होता रहे, उन्हें ये दो चीज चाहिए, उनको ये दोनों चीज मिल रही हैं। आप उनको अगली बार इलेक्शन में भी जिता देंगे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया है उसको जब इलेक्शन होगा तो बांटेंगे 5-5 सौ, 1000-1000, 2000 रुपये, और हम ही लोग उसको वोट करके आएंगे, दारू की एक एक बोतल भिजवाएंगे, 5-5 सौ रुपया देंगे, और सब लोग उसी को वोट दे देंगे वापस। तो उसी कमाए हुए पैसे से और वो फालतू की जो पावर है, बढ़िया अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी से लेके घूमेगा और बढ़िया सेठ बन के घूमेगा, आप भी नमस्ते नेताजी करते फिरेंगे, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो हम उसका हिस्सा है ना। तो काइंडली गवर्नमेंट को मतलब इस वाले डिस्कशन से अलग ही रहते हैं। अब आई होप मैं अपने पॉइंट को ठीक रख पाया। यस सर, यस सर, वो आप तक मैं कन्वे कर पा रहा हूं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो देश की ओनरशिप एज एन यूथ, मैं ये कहूंगा कि काइंडली टेक इन योर ओन हैंड, डोंट ट्रांसफर दिस अपॉर्चुनिटी और दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन समबडी एल्स हैंड।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी पॉलिटिशियन को जो कि अल्टीमेट क्रूकड पर्सन है उसको मैं जिम्मेदारी दे के बच जाऊंगा, तो नहीं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारी जो परेशानियों का बहुत बड़ा कारण वही है कि भाई हमें सबको पता है, ओपन सीक्रेट है, कोई नई चीज नहीं पता, तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी कि इनको अलग करो भाई, जो गलत एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो रविंदर, आई होप मैं अपनी बात कुछ हद तक ठीक ठीक समझा पाया। आई थिंक ही इज नॉट देयर। चलो, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पर चले जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अगले मंत्रालय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये मंत्रालय की जो स्कीम्स हैं उसमें सबसे महत्वाकांक्षी इसकी सबसे बड़ी स्कीम है वो एक ब्रॉडबैंड मिशन और एक ये भारत नेट स्कीम। भारत नेट और ब्रॉडबैंड मिशन। ब्रॉडबैंड मिशन में हमें अपने पूरे देश को ब्रॉडबैंड, व्हाट इज ब्रॉडबैंड, क्या होता है ब्रॉडबैंड? सर ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल बिछा रहे वो वाला है क्या? हाँ ये वही है जो ब्रॉडबैंड हमें कंट्री को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड है सर ये? हाँ इंटरनेट से रिलेटेड है, ये जियोग्राफिकल एरियाज को कनेक्ट करता है। इंटरनेट हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है? आपको इंटरनेट चलाना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वायर्ड मेथड, वाईफाई, वायरलेस मेथड, ठीक है, दो तरीके, दो ब्रॉड डिवीजन कर दिए मैंने। वायरलेस मेथड आपका जैसे आपके फोन में जो मोबाइल आ रहा है, जीपीएस जो चल रहा है, दैट इज वायरलेस मेथड, ठीक है, जिसमें कोई वायर नहीं है, आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपका आइडिया या वोडाफोन या जो कोई भी होगा, उससे डायरेक्टली आप इंटरनेट, वो आपको इंटरनेट दे रहा है, और दिस मेथड इज कॉल्ड वायरलेस। वाईफाई अभी थोड़ा सा रुकना, हाँ वाईफाई इज नॉट एग्जैक्टली वायरलेस। कैसे सर? अब जो वायर्ड मेथड होता है, वायर्ड मेथड में पुराना जो मेथड होता था इसमें कि टेलीफोन के केबल को इस्तेमाल किया जाता था, जो टेलीफोन की लाइन होती थी उसको ही इस्तेमाल करके हम फोन करते थे, और उसको क्या बोलते थे? टेलीग्राम था, वो टिंग 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 करके बजता था, उसे कनेक्ट करते थे, एक राउटर हुआ करता था। पुराने समय में किसी ने पीसीओ तो फोन के लिए होता था, जो फोन करता था वो पब्लिक, सर लैंडलाइन बोलते थे उसको। हाँ वो सर लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्शन। इसी लैंडलाइन कनेक्शन का एक वेरिएशन दूसरा है जो उससे सुपीरियर वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। इसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है ये ज्यादा बड़ी होती है, और जो वायर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी का होता है, उसके माध्यम से हमें इंटरनेट दिया जाता है। ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है, यही ब्रॉडबैंड इंटरनेट बाद में राउटर के अंदर में एक वाईफाई मैकेनिज्म लगा होता है, वो आपके घर के अंदर में चारों तरफ सिग्नल भेजता है। तो इसलिए वाईफाई इज नॉट एग्जैक्टली वायरलेस इंटरनेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाईफाई इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर इंटरनेट विद इन अ लिमिटेड एरिया, जैसे ब्लूटूथ भी इसका एक एग्जाम्पल है, वाईफाई भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये दोनों एक सीमित क्षेत्र के भीतर जो है इंटरनेट को देने के लिए मशीन्स के बीच में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, परंतु जो हमारे पास इंटरनेट आता है वो ये ब्रॉडबैंड से आता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट इज हाई स्पीड इंटरनेट, टेलीफोन लाइन का जो इंटरनेट होता था वो वेरी लो स्पीड, वायरलेस जो इंटरनेट होता है ये भी लो स्पीड होता था, पर ग्रेजुअली वायरलेस इंटरनेट में काफी तरक्की हो रही है, जो 3G, 4G और 5G है, दिस इज पार्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्रॉडबैंड में वो नहीं है। ब्रॉडबैंड का अगला जो वो है, अगली स्टेज है, वो ऑप्टिकल फाइबर है।
ऑप्टिकल फाइबर की, यहाँ पर जो तार होती है टेलीफोन लाइन और ब्रॉडबैंड में, ये सिंपल कॉपर की मेटालिक वायर को इस्तेमाल करता है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करता है। ऑप्टिकल फाइबर आप एक बार पढ़ लेना, तो और स्पीड लाने के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत होती है। कोएक्सियल केबल सर, कोएक्सियल केबल जो पहले वाली केबल थी वो कोएक्सियल केबल थी, और अभी जो केबल मतलब अभी जो तार यूज होती है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है फॉर ट्रांसफर, ठीक है, कोएक्सियल। सर ये एक बार, सर एक बार ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम आईटी फील्ड। ओके थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मेरे को स्कीम खत्म करने दो फिर करना। ओके सर, जैसे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही टॉपिक डिफरेंट दिशा से करेंगे, तब आप बता देना। ओके सर, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज विनय। विनय, ठीक है विनय, आपको ही मैं जिम्मेदारी दे दूंगा, आप इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ओके सर, अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आए, तो ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है जिसका उद्देश्य है कि सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, कोई भी गांव ऐसा ना बचे। हमारे देश में कुल कितने गांव हैं? 7,00,000। वेरी गुड, हाँ 6,50,000, ठीक है, 7,00,000 इज नॉट बैड, इतना भी आइडिया रहना चाहिए अपने को, एग्जैक्ट नंबर नहीं तो ये पता रहे कि हाँ हमारे देश में 6,50,000 से 7,00,000 के बीच में गाँव है, ठीक है। तो हमें इन सभी गांवों को 2022 तक गांव उससे जोड़ना है। अच्छा, गांव की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द विलेज? जहां 5,000 से कम ठीक है, सही है, चलो वेरी गुड। वैसे किसी भी हैबिटेशन को बोलते हैं, पर जो गांव की डेफिनेशन कौन सी स्कीम के लिए, जो सड़क वाली योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें ये 5,000 का, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे ये 5,000 आबादी का क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है, सही है। मेट्रोपॉलिटन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? 10 लाख, मोर देन 10 लाख, ठीक है, अगर 10,00,000 से ज्यादा आबादी है देन इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, तो हमारे को अपने सभी गाँव को ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ब्रॉडबैंड केबल से जोड़ना है, जिसके लिए हमें करीब 30 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में बिछाना होगा। ये अगर हम बिछा देंगे तो इससे क्या फायदा होगा? इंटरनेट अगर रहेगा तो इससे क्या फायदा होगा? सर वे ऑफ कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। अगर इंटरनेट ना होता, और बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज कनेक्टेड नहीं रह पाते, क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट नहीं है। तो जिस गांव में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगा और जिसमें नहीं होगा, उन दोनों में बहुत ज्यादा अलग अलग डिसएडवांटेज, उनमें अलग अलग स्टेटस उनका हो जाएगा। तो इंटरनेट इस बाधा को दूर करता है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेट के लिए हम और क्या कर रहे हैं इसमें, कि हमारी जो टावर डेंसिटी है, जो ये जो मोबाइल फोन के टावर्स लगते हैं, ये 2024 तक 1 टावर पर 1,000 पॉपुलेशन हो जाए, हर 1,000 की आबादी में एक टावर कम से कम हो। करीब 7,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करने की जरूरत है। इससे हमारा जो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स है, ये याद रखिएगा, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, ये हमारे लिए जरूरी इंडेक्स है। ये बताता है कि हमारे देश में कितना इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, तो उसके लिए इस इंडेक्स में भी ये हमें लाभ देगा। हम डिजिटल फाइबर मैप और ये सब बना देंगे, ये सब हमने यहाँ कर दिया। 7,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगेगा, और इसमें से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा इसमें से लिया जाएगा। भारत नेट,
भारत नेट ये भी लगभग उसी चीज को दूसरे तरीके से कहने की कोशिश है। भारत नेट इसमें भी हम जो है अपने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी गांव में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पहुंचाएं। ये डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम था मोदी जी का उसका एक हिस्सा था भारत नेट डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम बनाया गया था। आजकल अभी उसमें बात कम होती है तो उसे अलग अलग फेजेस में पहले फेज में 1,00,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट में सभी ग्राम पंचायतों को थोड़ा सा यहाँ अंतर हो आप देख सकते हो। नंबर वन पहला है कि हमारा जो ब्रॉडबैंड वो है कि हम कहाँ तक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन में हम गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना चाहते हैं। भारत नेट में हम ये करेंगे कि हर गांव की पंचायत में हम एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देंगे, ये भारत में वो है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ब्रॉडबैंड मिशन में ब्रॉडबैंड अवेलेबल होना चाहिए, अब जो उसे खरीद सकता है वो खरीदे, जो नहीं खरीद सकता ना खरीदे, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। परंतु भारत नेट में हर ग्राम पंचायत में जो पंचायत की जमीन है, पंचायत घर है, उस पंचायत घर को हमें इंटरनेट से जोड़ना है, वहाँ कनेक्शन सरकार प्रोवाइड करेगी। 2017 तक 1,00,000 गाँव तक पहुँचाना था, 2,00,000 गाँव तक 2019 में, और 2023 तक सभी उसमें गांव में ये पहुंचाने का उद्देश्य था। इसमें हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी इसके अंदर काम करते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी है जिसके हमने अभी ऊपर भी बात की थी, और ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसके लिए ये कंपनी को का गठन किया। अगला आते हैं हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड पर। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये विशेष फंड इसी पर्पस के लिए ब्रॉडबैंड के लिए बनाया गया था, जिसमें 5% लेवी एक विशेष टैक्स लगाया गया था पूरे ग्रॉस रेवेन्यू पर, ताकि इस काम के लिए ये जो ब्रॉडबैंड मिशन है इसके लिए एडिशनल फंड इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की एक ये स्कीम है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना गांव में अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी कारण से देहांत हो जाता है या चोट लग जाती है तो उसमें उसको कवरेज दिया जा सके, तो इसके लिए संपूर्ण बीमा ग्राम योजना रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको पहुंचाना एक उद्देश्य है। दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैंप एज हॉबी। जो स्टैंप कलेक्शन होता है, ठीक है, स्टैंप कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलैटेली, ठीक है, इस हॉबी को हम फिलैटेली हॉबी बोलते हैं। तो बच्चों में इस हॉबी को, स्टैंप कलेक्शन की हॉबी को, अब तो शायद नहीं ये इतनी हॉबी रही है, पहले किसी समय में होती थी, हम लोग भी दो चार इकट्ठा किया करते थे, परंतु अभी हम उससे नहीं करते। तो ये फिलैटेली जो हॉबी होती है इसको करने के लिए, ये एनकरेज करने के लिए स्कीम है स्पर्श। दर्पण स्कीम है जिससे हम अपने ग्रामीण पोस्ट ऑफिस जो है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, दर्पण, ठीक है, ये स्कीम है जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे डाकखाने हैं उनको डिजिटली एडवांस कर सकें, उन्हें डिजिटली जोड़ सकें, तो इसके लिए ये दर्पण स्कीम है। देन वी हैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, संचार कौशल विकास संस्थान, जिसके द्वारा जो संचार के माध्यम है, कम्युनिकेशन के माध्यम है, चाहे मोबाइल टावर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर का रिपेयर है, अदर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का जो रिपेयर है, है ना, हमने बोला भारत नेट हम कितना 7,00,000 कितने लाख 30,00,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे, हर 1,000 लोगों पर एक मोबाइल टावर लगाएंगे, अभी लगा तो देंगे, इतना बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट कर देंगे,
खराब भी होगा कभी कभी, वो ऑप्टिकल फाइबर टूटेगा भी ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर को हम जैसे हम तार जोड़ सकते हैं वैसे नहीं जोड़ सकते, तो उसे रिपेयर कैसे करना है, मोबाइल टावर का मेंटेनेंस कैसे करना है, इसको हम बच्चों को सिखाएं ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। इसी काम को करने के लिए स्कीम है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास संस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है, बनाए हैं जिसके द्वारा इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है दी जा सके यूपी बिहार उड़ीसा पंजाब हरियाणा में। और इसके अंदर ये एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है NSQF, ये आप याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए कहीं पे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो भी हमारा स्किल क्या है, जो ट्रेनिंग हमने हासिल की है वो किस दर्जे की है, कितनी क्वालिफाइड है, उसकी सर्टिफिकेशन करने की ये एक कोशिश है जिसे हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। तो आज के समय में अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स करते हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आपका ये जो कोर्स है, ये जो ट्रेनिंग है वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नेशनल NSQF सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट। यहाँ से हम आगे अगले क्लास में बढ़ेंगे, आज की क्लास हम अभी यहीं रोकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? कोई सवाल कमेंट, मोस्ट वेलकम। शायद नहीं है तो बोलो। प्रैक्टिस के लिए सर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल देते थे सर, प्रैक्टिस के लिए। हाँ यस, डाल देते थे, ठीक है डाल देता हूँ। सारे डाल दूँ एक बार में, करते रहना। यस सर ओके सर। सजेशन मैंने सुना था कि ग्रुप की भी बात थी, तो आप लोग ग्रुप बना लो। दीपक आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, दीपक है अभी? यस सर। ओके, आपको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, मैं आपको लोगों आपको नंबर दे देता हूँ, आप एक बार सबको मैसेज करके भाई के जो जुड़ना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं, आप लोग जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने ग्रुप बनाए थे तो ऐसे ही ग्रुप दोबारा से बना लो। ठीक है Yes, sir. तो फिर मैं भेज दूंगा, तुम बना देना, ठीक है? ओके सर। मुझे दीपक याद दिला देना अलग से तुम। ओके सर। थैंक यू सर।